नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की तरफ से। अब सबको ये बात याद होगा, कुछ दिन पहले लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लिमिटेड नंबर में आर्मी और एयरफोर्स में शामिल करने का फैसला किया गया था और इसके करीब 12 यूनिट को खरीदने का प्लान किया गया था। अभी फिलहाल हमें हमारे चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को तुरंत ही रिप्लेस करने की जरूरत है, जिस वजह से अभी हमको मॉडर्न लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ रही है। अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को इम्पोर्ट करने पर भी पाबंदी लगाया जा रहा है और हाल ही में ही पेश किए गए नेगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट में या पॉजिटिव इंडिनेशन लिस्ट में लाइट यूटिलिटी कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स को इम्पोर्ट ना करने का फैसला किया गया था। ऐसे में हमारे पास इंडिजिनस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर या LUH के होते हुए दूसरे कोई ऑप्शन ढूंढने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। हमारी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसे मल्टीपल टाइम लद्दाख में टेस्ट किया जा चुका है और इसके बाद अभी इसको लिमिटेड नंबर में आर्मी में और एयरफोर्स में शामिल करने का फैसला किया जा चुका है। इसी बीच HAL की तरफ से इनिशियल बैच में ऑर्डर किए गए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को अभी डिलीवर करने की तैयारी किया जा रहा है। इसी साल अगस्त के महीने में HAL की तरफ से पहली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को डिलीवर करने का फैसला किया गया। फिर मार्च 2023 तक HAL की तरफ से 3 और हेलीकॉप्टर्स को आर्मी और एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। फिर 2023 से 2024 के बीच कुल मिलाकर 8 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को डिलीवर किया जाएगा और कुल मिलाकर इन 12 हेलीकॉप्टर में से 6 इंडियन आर्मी को और 6 इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। और अभी अभी इनकी डिलीवरी से ठीक पहले ही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का एक और कोल्ड स्टॉक टेस्ट को भी लद्दाख में कंडक्ट किया चुका है, जिसे सफलता के साथ कंप्लीट कर लिया गया। इस टेस्ट के दौरान हेलीकॉप्टर को कोल्ड वेदर कंडीशन में हैंगर की जगह पर बाहर में रखा जाता है और इसे 24 घंटे बाहर रखा जाता है, जिसके बाद इसको कोल्ड स्टार्ट किया जाता है। लेकिन इस बार लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को 24 घंटे नहीं बल्कि खराब वेदर कंडीशन में लगातार 48 घंटे तक लद्दाख में बाहर रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बिना किसी दिक्कत के इसको कोल्ड स्टार्ट कर लिया गया था और फिर लगभग 20 मिनट का ट्रेनिंग सॉर्टी भी कंप्लीट किया गया था। अगला अपडेट आर्मी की तरफ से। इसी साल की शुरुआत में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए लगभग 5000 नए जनरल सर्विस व्हीकल को खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू किया गया था, जिसमें 4x4 प्लेटफॉर्म को खरीदने का फैसला किया गया था। अभी आर्मी की तरफ से करीब 1500 लाइट व्हीकल को खरीदने के लिए RFI को इशू किया गया। ये भी 4-व्हील ड्राइव व्हीकल होने वाले हैं और इनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 700 केजी से लेके 900 केजी तक होने वाली है। अब नॉर्मली इस कैटेगरी के अंदर आर्मी मारुति जिप्सी का इस्तेमाल करती आ रही है और अभी तक आर्मी में लगभग 35,000 से ज्यादा जिप्सी को इंडक्ट किया जा चुका है, लेकिन ये अभी पुराने हो चुके हैं तो इनको अभी रिप्लेस करने की कोशिश किया जा रहा है। अब एक चीज को लेके आप सब कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पिछले महीने भी आर्मी की तरफ से क्लाइड व्हीकल को खरीदने के लिए RFI को इशू किया गया था, जो कि एक 4x4 व्हीकल था, लेकिन वो आर्मर्ड व्हीकल होने वाले थे, जबकि अभी जो टेंडर फ्लोट किया जा रहा है इसमें नॉर्मल ट्रांसपोर्ट व्हीकल को खरीदने का फैसला किया जा रहा है और ये सभी 1500 व्हीकल अभी हार्ड टॉप वर्जन होने वाले हैं। 2017 में भी इसी कैटेगरी के अंदर टाटा सफारी को आर्मी में शामिल किया गया था, जिनको नॉर्मली आर्मी के सीनियर रैंक के ऑफिसर्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी जिन व्हीकल को खरीदने का फैसला किया जा रहा है इनको रेगुलर ड्यूटी में डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट को लेके, जिसको लेके पिछले कुछ सालों से चर्चा चल रहा था कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। अब इसको इम्प्लीमेंट करने का एक मेजर कारण ये है कि इसके बाद गवर्नमेंट को काफी हद तक फाइनेंशियल फायदा होने वाला है और जो एक्स्ट्रा पेंशन या बर्डन गवर्नमेंट को ऊपर पड़ रहा है वो आगे चल के खत्म होने वाला है। लेकिन जब तक टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइन को तैयार नहीं किया जाता है, तब तक इसको इम्प्लीमेंट करने में परेशानी हो सकती है। जैसे कि सर्विस से रिटायर होने वाले जवानों को बाद में पेंशन तो नहीं मिलने वाले, तो उसके बाद उनको कहां पर जॉब मिल पाएगी सबसे बड़ा सवाल था। इसके बाद जैसे कि इसमें जवानों को बस 3 से 5 साल के लिए सर्विस में शामिल करने का प्लान किया गया था, तो इसमें ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहेगा और रेगुलर ड्यूटी पीरियड कैसा रहेगा इसको लेके भी काफी सवाल आ रहे थे। लेकिन फिर भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि इस मॉडल को अभी जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा जा रहा है और हो सकता है इसी महीने के अंत तक इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट की जाएगी। और फिलहाल के लिए पहले जो प्लान किया गया था अभी इसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है और अभी इसमें ज्यादा क्लैरिटी को भी ऐड करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी पिछले 2 सालों से आर्मी की तरफ से कोई भी रिक्रूटमेंट को इशू नहीं किया गया था, तो अभी जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होने वाली है उनको टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर इशू किया जाएगा।
इसकी टाइम पीरियड यहाँ पे 4 साल तक होने वाली है। इस दौरान आर्मी में ज्वाइन करने वाले जवानों को रेगुलर पर्सनल्स की तरह सैलरी और बेनिफिट्स वगैरह मिलने वाले और 4 साल कंप्लीट होने तक उनको एनुअली 10 से 12 लाख का पैकेज मिलने वाला है। उसके बाद रिटायर होने पर उनको कैरियर अपॉर्चुनिटी भी आर्मी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से भी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इनको जॉब दिलाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। इसी बीच इस स्कीम में एक चेंज भी नोटिस किया गया है, जिसमें टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर जिनको आर्मी में शामिल किया जाएगा वो सभी के सभी जवान होने वाले, जबकि पहले इसमें ऑफिसर कैटेगरी को भी इंडक्ट करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इसको कैंसिल करने का फैसला किया गया है। इसके बाद पहले तय किया गया था कि इसमें इनिशियल 3 साल के बाद सर्विस में शामिल किए गए जवानों में से लगभग 50% जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा, फिर बाकी बचे 50% को अनदर 2 साल के लिए सर्विस एक्सटेंड करने का मौका दिया जाएगा, और फिर 2 साल कंप्लीट करने के बाद यानी कि कुल मिलाकर 5 साल कंप्लीट करने के बाद उनमें से 50% को सर्विस से रिटायर कर दिया जाएगा और बाकी बचे 50% को आगे चल के फुल टाइम ड्यूटी करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इस मॉडल में एक दिक्कत ये था कि उसमें किस आधार पर जवानों को सर्विस से रिटायर किया जाएगा, जो कि शायद नाइंसाफी हो सकती थी। तो इस वजह से अभी इसमें जो 3 से 5 साल का कॉन्सेप्ट था उसको वहां पे बदलने का फैसला किया गया, और अभी कुल मिलाकर जो सर्विस पीरियड होने वाला है वो लगभग 4 साल का होगा, जिसमें पहले 6 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी बचे 3.5 साल तक सर्विस पीरियड होने वाला है। पर उसके बाद जवानों को परमानेंट कमीशन में आने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा, यानी कि एग्जाम पास करने के बाद ही उनको परमानेंट कमीशन मिल पाएगी, और जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सामना नहीं कर पाएंगे या इसमें फेल हो जाएंगे उनको वहां पे मजबूरन रिटायर होना पड़ेगा। अगला अपडेट गैस टर्बाइन इंजिन्स को लेके, ये वो इंजिन्स होते हैं जिनको मेनली नेवल प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। अभी भारत की बात करें तो हम शिप बिल्डिंग सेक्टर में काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमारे पास खुद की कोई भी गैस टर्बाइन इंजन मौजूद नहीं है और ना ही हम एक मरीन इंजन को डेवलप कर पाए। बदले में हम हमारे शिप्स में अभी तक इम्पोर्टेड इंजन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिनको या तो रशिया से, यूक्रेन से या फिर किसी और कंट्री से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। अब मोस्टली भारत के वॉरशिप्स में यूक्रेन के द्वारा बनाए गए गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे 30 मेजर वॉरशिप्स में अभी यूक्रेन की जोरिया मैसपोकेट की गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी जब रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हुआ तो तब हमें ये पता चल गया कि हमें अभी इस सेगमेंट में भी आत्मनिर्भर होने की काफी जरूरत पड़ने वाली है, वरना आगे चल के हमें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच इंडियन नेवी की तरफ से अभी INS एक्सिला में गैस टर्बाइन इंजन को लेकर एक सेमिनार को भी आयोजित किया गया था, जिसे वाइस एडमिरल संदीप नथानी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, और अभी गैस टर्बाइन इंजन के सेक्टर में किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे इसको लेके भारत के मेजर फर्म्स के साथ डिस्कशन किया गया था। इसमें देश भर के टॉप 12 कंपनीज की तरफ से अपनी अपनी आइडिया को, प्रपोजल को नेवी के साथ शेयर किया गया था। इसमें HAL कोरापुट, VHEL हैदराबाद, NML जमशेदपुर, भारत फौज और त्रिवेणी इंजीनियरिंग की तरफ से अपने अपने आइडिया को नेवी के साथ शेयर किया गया। अभी हमारे पास मेन प्रॉब्लम ये कि हमारे फ्रंटलाइन वॉरशिप्स के लगभग 30 ऐसे वेसल मौजूद है जिसमें हम यूक्रेनियन ओरिजिन इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी यूक्रेन जो हालात हैं ऐसे में शायद वो आगे चल के हमको सर्विस या स्पेयर पार्ट या मेंटेनेंस जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड कर पाएगा या फिर टाइम पर मदद कर पाएगा, जिस वजह से इस सेमिनार के दौरान गैस टर्बाइन इंजन की ओवरऑल करने का एक इंडिजिनस सोल्यूशन को निकालने का प्रोपोजल दिया गया था, जिसको कम्प्लीटली भारत में आगे चल के ओवरऑल किया सकेगा, साथ ही अपनी खुद की इंजन को भी बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे आगे चल के हम खुद की एरो इंजन और मरीन इंजन को डेवलप कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।